नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन का ट्यूटोरियल और बहुत ही आसान तरीके से आप ये नॉर्मल नीडल के साथ में बना सकते हैं। इसके लिए पहले यहाँ पर इस डिज़ाइन को ड्रॉ करना है, तो पहले 3 इन लीफ को ड्रॉ किया है, उसके ऊपर सीधी लाइन लेके वापस 3 लीफ, उसके ऊपर 3 लीफ और है, और फिर सेंटर में इस तरह से 2 लाइंस लेके इनके ऊपर लीफ है और साइड में हमारी फ्लावर आएगा मोती और जरदोजी के साथ में। बहुत ही सिंपल से डिज़ाइन है और यहाँ सबसे पहले हम मोती को अटैच करेंगे सुई धागे से। 7 मोती का ये हमें फ्लावर बनाना है जिसके चारों और जरदोजी को स्टिच करना है। तो पहले हम यहाँ पर सारे मोती अटैच करेंगे और इस जरदोजी को हम कट किया हुआ है, जितना मोती के चारों और जरदोजी चाहिए उतना हमने इसको कट किया है। अभी जरदोजी को पिरोना है और जहाँ से सुई बाहर निकाली थी वहीं पास में अंदर डालना है और फिर ये जरदोजी इस तरह से कवर करके उसकी दूसरी साइड में एक लॉक देंगे जरदोजी को, और इस तरह से ये सारे मोती के चारों और जरदोजी को स्टिच करेंगे। और यहाँ पर हमारी 4 फ्लावर हैं इस मोती के अकॉर्डिंग और ये हमने सारे स्टिच कर लिए हैं, इस तरह से ये रहेंगे डिज़ाइन के बाहर की साइड में। नीचे से जो ये हिस्सा है वहाँ पर हमें एक मोती अटैच करना है, अभी यहाँ पर इसके चारों ओर जरदोजी अटैच नहीं करनी है। अभी ये जो लीफ है और ऊपर जो 3 लीफ है वहाँ पर हमारा एंकर का थ्रेड आएगा, बाकी के सारे लीफ पर हमारी जरदोजी स्टिच करनी है, तो इनको छोड़ के बाकी की जो लीफ है वहाँ पर हम जरदोजी स्टिच करेंगे। हमने यहाँ पर लंबी लंबी जरदोजी को थोड़ा कट किया है, पत्ती की साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कट किया है, पहले एक जरदोजी सीधी फिर उसके बाद में इसको कवर करते हुए तिरछी हमें इस तरह से अटैच करनी है ताकि इसमें थोड़ा सा उभार रहे, और ये लीफ के हिस्से को भरना है। और इसी तरीके से सारी लीफ पे हमें जरदोजी को स्टिच करना है। यहाँ पर मैंने ये सारी जरदोजी स्टिच कर ली है, इस तरह से ऊपर 3 लीफ को छोड़ दिया है और नीचे एक सेंटर की लीफ को छोड़ा है, और बाकी सारी लीफ को हमने जरदोजी से भर दिया है। अभी हम लेंगे यहाँ पर एंकर का थ्रेड और यहाँ तिरछा इस तरह से इन लीफ को एंकर थ्रेड से स्टिच करना है। इस तरह से ये चारों लीफ पर एंकर थ्रेड से हमें यहाँ पर अटैच करना है। अभी सारी पत्तियों पे हमारी फिलिंग का काम हो गया है, जरदोजी और ये एंकर का थ्रेड। अभी हमें लेनी है ये डोरी, ये डोरी को हम इसकी बाउंड्री के लिए यूज़ करेंगे, बाउंड्री की फिनिशिंग के लिए। यहाँ से शुरू करेंगे और नॉर्मल सुई धागे से इसे लॉक करते हुए आगे से आगे बढ़ना है। हम यहाँ नीचे से सेंटर से शुरू किए हैं और उसके बाद में ये जो मोती है उसको कवर करते हुए वापस ऊपर की ओर जाना है, और जो हमारी लीफ का शेप है वहाँ पर इसको लॉक करना है। यहाँ पर हल्का सा इस तरह से डोरी को घुमाएंगे और ये ताकि इसका जो शेप है वो अच्छा से आए।
और फिर वापस आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ये डोरी एम्ब्रॉयडरी की दुकान पे ही मिल जाती है, जहाँ से आप एम्ब्रॉयडरी का सामान लेते हैं वहाँ पर। ऑनलाइन ये शायद अवेलेबल नहीं है, और अगर आपको ये नहीं मिलती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। FB का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये डोरी को हम आगे से आगे स्टिच करेंगे। और हमारी सारी लीफ के ऊपर इसे स्टिच करना है। जो फ्लावर है हमने मोती के बनाए हैं उनको छोड़ते हुए बाकी सारा हिस्सा यहाँ पर इस डोरी से कवर करना है। और ये बहुत फटाफट भी हो जाएगा और बहुत आसान है। इस फ्लावर के पास से ही इसको वापस ले जाना है। ये डबल डोरी का हिस्सा रहेगा और फिर आगे की लाइन पे ऐसे ही इसको कंटिन्यू करेंगे। ये आप डिज़ाइन कहीं पे भी बना सकते हैं, साड़ी पे, ब्लाउज पे या कुर्ती पे। काफ़ी अच्छी सी और अच्छी साइज़ में ये डिज़ाइन रहेगी और इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से इस डिज़ाइन का लुक कैसे रहेगा, इसके पास में इसकी लेस बनी हुई है जिसमें यहाँ पर सिर्फ कुछ लीफ है और बीच में एक फ्लावर है मोती का। और आप ये डिज़ाइन अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।